बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इकरा फॉर बॉयज सेकेंडरी स्कूल। अजीज तलबा, पिछली क्लास में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रॉब्लम नंबर 3.1 आपको समझाया था। आज हम 3.2 आपको बताएंगे किस तरह से सॉल्व होगा। आइए पेज नंबर 44 निकालिए। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ पर्सन हियर्स द इको ऑफ His own sound from a distant hill. After 2 seconds, how far away is the person from the hill? If the speed of sound is 330 meter per second, I'm repeating. A person hears the echo of his own sound from a distant hill after 2 seconds. How far away is the person from the hill if the speed of sound is 330 meter per second? सिचुएशन कुछ यूं है कि एक पर्सन है और वो किसी हिल के सामने कहीं खड़ा हुआ है। ये जो लाइन है ये हिल की लाइन है और ये पर्सन है, यहां से उसने अपनी आवाज निकाली, वो साउंड यहां से ट्रैवल करती हुई हिल तक गई और हिल से टकरा के वापस यहां तक आ रही है। इसको 2 सेकंड्स इस साउंड को दोबारा सुनने में लगते हैं। आप बोलो कि ईगो किसे कहते हैं? व्हाट इज ईगो? ईगो इज द साउंड व्हिच इज हर्ड बाय अ पर्सन आफ्टर सम टाइम। किसी ऑब्स्टिकल से टकराने के बाद जब दोबारा वो साउंड सुनी जाती है उसको उस साउंड का इको कहते हैं। चुनाचे वो जो आदमी है यहाँ पे वो अपनी आवाज को इको की फॉर्म में 2 सेकंड में दोबारा सुनता है। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड यहाँ पे दो तरह से सफर कर रही है। एक तो इस पर्सन से हिलकर जा रही है वो साउंड, फिर टकरा के वापस भी आ रही है। तो इसने डबल डिस्टेंस कवर किया। अब ये जो डबल डिस्टेंस कवर हुआ, इस साउंड को टाइम भी डबल लग रहा है। अगर यहां से यहां तक जो टाइम लगा वो टाइम टी है फॉर एग्जाम्पल, तो यहां से वापस आने में भी इसको उतना ही टाइम लगेगा। आइए इसको किस तरह से हम डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखेंगे। हमने यहां पर सबसे पहले हेडिंग डेटा ही की डाली है, लेकिन उससे पहले उस सिचुएशन को यहां पर लिखना जरूरी समझा गया। When a person hears his echo in 2 seconds, it means that the sound travels double displacement. Number one, person to hill in time t. And the other one is second is hill to the person. वापस आ रही है in the same time की। इसका मतलब यह हुआ कि जाने और आने में टोटल टाइम जो लग रहा है वो डबल लग रहा है 2 times t। अब अगर हम क्वेश्चन यहां पर दोबारा पढ़ें तो उसमें यह लिखा हुआ है कि वो अपनी साउंड को 2 सेकंड में दोबारा सुनता है। तो एक तरफ का डिस्टेंस 1 सेकंड और दूसरी तरफ का डिस्टेंस फिर 1 सेकंड, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 2 सेकंड आता है। इसको हम 2t कह सकते हैं, 2t यानी 2 times यानी डबल ऑफ द टाइम। और t की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, इसलिए 1 होगी कि एक तरफ की ट्रैवलिंग को जो टाइम लग रहा है वो 1 सेकंड लग रहा है, इसी तरह दूसरी तरफ की ट्रैवलिंग को भी टाइम 1 सेकंड लगेगा। तो ये टोटल मिला के 2 सेकंड हो जाता। यहां तक क्लियर हो गया? अब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो भी डबल हो जाएगा। जाहिर है यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट एस होता है, यहां से वापस आने का डिस्प्लेसमेंट भी एस होता है। तो ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ये 2s यानी 2 × s यानी 2s हो जाता है। यहां तक अब हमारी बात समझ में आ गई कि चूंकि ये एक साउंड की बात नहीं है बल्कि साउंड की इको की बात चल रही है। साउंड एक तरफ से ट्रैवल करती है, फिर वो जब वापस आके दोबारा सुनाई देती है तो वो इको बन चुकी होती है। इस इको में डबल टाइम और डबल डिस्टेंस या डबल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट
लग रहा है, चुनाचे अब हम इसी को सामने रखते हुए अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आइए अब हम सॉल्यूशन की हेडिंग पे जाते हैं। सॉल्यूशन के बाद हम यहां लिखते हैं कि एज द साउंड ट्रैवल्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये बात हम पहली क्लास में, इससे पहली वाली क्लास में भी आपको बता चुके हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो साउंड होती है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ होती है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो फोर्स फॉर्मूला अप्लाई होगा। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला एस इक्वल्स टू वी टी। अच्छा अब बात यह है कि जो एस इज इक्वल टू वी टी है ये तो नॉर्मल फॉर्मूले नॉर्मल कंडीशन में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, लेकिन जब हमारे पास टाइम भी डबल हो जाए और डिस्प्लेसमेंट भी डबल हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर देंगे। अब वो ये होगी कि ये जो s है इसको हम 2 कर देंगे 2s, और ये जो t है इसको भी हम 2t कर देंगे। मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, सिर्फ थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए कि ये 2 जो है वो t के साथ कंबाइन हो। तो 2s is equal to vt, हमने पहले जो फॉर्मूला इसका लिखा s is equal to vt, बेसिक फॉर्मूला तो यही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो गया ना, अब यहां पर डबल हो गया, टाइम भी चेंज हो गया, डबल हो गया, चुनाचे इसकी जगह भी और इसकी जगह भी दोनों वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मालूम करना है, इसलिए कि क्वेश्चन में उसने ये कहा है हाउ फार अवे द पर्सन फ्रॉम द हिल, पर्सन यहां पे है, हिल यहां पर है, तो इसका मतलब है कि वो इससे जितने डिस्टेंस पर है वो एस हुआ, वो ही फाइंड आउट करना है। अच्छा डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम द पर्सन टू द हिल, ये डबल नहीं है, ये डबल नहीं है, तो हमें यहां पर 2s नहीं निकालना होगा, हमें सिंगल s निकालना होगा, और वो मैथमेटिक्स में कोई मुश्किल बात नहीं। आइए इसको करते हैं। 2s is equal to velocity of sound, यहां पर दे रखी है वो है 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर देखें आपके इसमें लास्ट सेंटेंस में इसमें लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2, और टाइम हमें कितना दिया हुआ था, टाइम हमें दिया हुआ था ये डबल टाइम है, टाइम हमारे पास कितना था, टी की वैल्यू 1। ये बात हम क्यों लिख रहे हैं, ये बात इसलिए लिख रहे हैं कि एक तरफ की जो चार्जिंग है वो 1 सेकेंड है, ये एस एस ये भी वन साइड डिस्प्लेसमेंट हुआ, जब तक इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे उस वक्त तक ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं बनेगा, ये टाइम हमारे पास 1 सेकंड एक तरफ का टाइम है, जब तक इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ये डबल आने और जाने का टाइम नहीं बनेगा। याद रखिएगा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये एस सिंगल है, सिंगल ट्रैवलिंग, और जब ये सिंगल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डबल होगा, डबल ट्रैवलिंग हो जाएगी, जाना और आना इसी तरह, ये टी हमारे पास 1 सेकंड है और जब तक इसको डबल नहीं करेंगे उस वक्त तक ये डबल नहीं हो सकेगा, आने जाने का, ठीक हो गया। अब हम इसको एस फाइंड आउट करने के लिए एस इज इक्वल टू ये इसे मल्टीप्लाई हुआ है जाके डिवाइड हो जाएगा 330 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई हो गया खत्म हो गया, और यहां नीचे 2 आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई 2, इस 2 से कैंसिल हो गया, क्या बचा 330। लेकिन 330 को ऐसे नहीं छोड़ देना है, बल्कि 330 को हम क्या करेंगे, मीटर, ये इसका इसका यूनिट है SI यूनिट, वो इसके लिए है, ठीक है। तो यहां पर आपकी बात समझ में आ गई कि ये जो मेथड है इसमें एक इको का चुन के तस्करा है, इसलिए हमें सारी की सारी कैलकुलेशंस को डबल करके सेट करना था। फिर फॉर्मूला तो बेसिक यही है s इक्वल टू vt, लेकिन इस फॉर्मूले को हमने यहां पर क्या किया है, इस फॉर्मूले को जिस तरह की सिचुएशन की उस हिसाब से इसको भी डबल कर दिया और इसको भी डबल कर दिया। ध्यान में रखिएगा कि t की वैल्यू 1 पुट होगी, 2 पुट नहीं होगी, क्यों, इसलिए कि ये जो सिंगल t लिखा हुआ है ये सिर्फ एक तरफ का डिस्प्लेसमेंट है,
जब तक इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ये आने और जाने का उस हद तक नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? तो अब हमारे पास यहाँ पे ये 3.2 कंप्लीट होता है, यही हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3.3। लेकिन इससे पहले कि हम आपको 3.3 करवाएं, आप पेज नंबर 36 पे, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 यहां पर दी हुई है, इस एग्जाम्पल को आप सॉल्व करेंगे। आगे 1 तो नहीं लिखा हुआ लेकिन यहां पर एक एग्जाम्पल बहरहाल हेडिंग के साथ मौजूद है, आप इसको नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, या आपका होम असाइनमेंट है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, देखिए पेज नंबर 36 तरह निकालिए आपने, पेज नंबर 36 पे जो एग्जाम्पल दी हुई है उसमें लिखा हुआ है अ मोटरसाइकिलिस्ट कवर्स 150 मीटर इन 10 सेकंड्स। एक मोटरसाइकिलिस्ट 150 मीटर, यार डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज नहीं दिया हुआ लेकिन जो कि मीटर दिया हुआ है इसलिए हमें पता है कि मीटर दरअसल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उसने 10 सेकंड्स में इसको कवर किया है। ये डिस्प्लेसमेंट 150 मीटर का 10 सेकंड्स में उसने कवर किया है। फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट, ये बताइए कि मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड क्या थी। एक करेक्शन यहां पर कर लीजिए कि उसने यहां पर जो स्पीड मालूम करने के लिए कहा है तो बेसिकली उसने एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपसे कहा, तो ये नोट कर लीजिए। फाइंड द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट की जगह यहां पर आप लिख लीजिए फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट, और उसके बाद बिल्कुल उसी तरह डेटा बनाएंगे आप, सॉल्यूशन क्या की हेडिंग डालेंगे और फिर फॉर्मूला आप लगाएंगे s is equal to vt, और फिर फाइनली आप स्पीड का स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड उसकी क्या थी, और ये आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक हो गया? तो इस तरह से आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो कवर हो जाता है। ठीक, आइए अब 3.3 पर बात करते हैं। एग्जाम्पल में आप ये देख रहे हैं, ये एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है 3.3, इसमें लिखा हुआ है अ कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। देखें ये जो लिखा हुआ है TMH इनवर्स यानी पावर माइनस 1, तो ये बेसिकली पर आवर है, 36 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारे पास असाइनमेंट नहीं है, इसको चेंज करना होगा। इज ब्रॉट टू रेस्ट, इट इज ब्रॉट टू रेस्ट यानी वो आखिरकार रुक जाती है इन 5 सेकंड्स। एक कार जिसकी इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा यहाँ इनिशियल वेलोसिटी का वर्ड भी नहीं दिया हुआ, उसने कहा है कि ये 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और आखिरकार जाके रुक जाती है। तो हम इसको अगर इस तरह से डिफाइन करें तो ये कुछ इस तरह से यहां पर डायग्रामेटिकली शो किया जा सकता है कि एक कार है जो यहां पर चल रही है कितने किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 36 किलोमीटर्स पर आवर, और फिर आगे जाने के लिए रुक जाती है तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। जाहिर है कि जब कोई वेलोसिटी कोई बॉडी या कोई कार जब मूव ही नहीं कर रही, रुक जाती है, तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। चुनाव यहीं से पता चल जाता है कि ये हमारे पास जीरो वेलोसिटी है और ये हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है। लेकिन एक बात यहां पर यह है कि जो किलोमीटर पर आवर है, हम किलोमीटर पर आवर में चूंकि काम नहीं करते इसलिए हम यहां पर 36 किलोमीटर पर आवर नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करके जो भी वैल्यू आएगी वो लिखेंगे आपका। तो आइए सबसे पहले हम डेटा को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि फाइंडिंग
फाइव इज डिसेलरेशन। डिसेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहा जाता है। डिसेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहा जाता है। आइए इस पर बात करें। 3.3 सबसे पहले डेटा की हेडिंग हम डालेंगे। हमें यहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी ने रखी है VI = 36 किलोमीटर पर आवर। अब इस 36 किलोमीटर पर आवर को हम जब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो आपको हम एक शॉर्टकट बताते हैं। वैसे तो हमने आपको किलोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर बनाने का तरीका समझाया है। हाँ, अलबत्ता जब किलोमीटर पर आवर की बात आ रही है और अमूमन ऐसा नहीं होता है कि न्यूमेरिकल्स में एक यही यूनिट चेंज करना पड़ता है, तो किलोमीटर को का किलो खत्म करने के लिए हम यहाँ पे 1000 से तो मल्टीप्लाई करेंगे और चूंकि आर्स नीचे डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये असल में ये लिखा हुआ है किलोमीटर पर आर, तो ये डिवाइडेड डिवीजन में यानी तो डिनोमिनेटर में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 60 × 60। इससे दो दफा 60 से डिवाइड करेंगे, इसलिए कि आर को एक मरतबा डिवाइड करते हैं 60 से तो वो मिनट्स बनते हैं, दूसरी मरतबा डिवाइड करते हैं यानी आर्स को मल्टीप्लाई, क्योंकि वो आर्स बेसिकली डिनोमिनेटर में है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, वो नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 60 से एक मरतबा मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना, मिनट्स बना, दूसरी मरतबा 60 से डिनोमिनेटर में ही रहते हुए मल्टीप्लाई किया तो वो सेकेंड बन जाएगा, और जैसे ही ये प्रोसेस होगा वैसे ही इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। तो आप शॉर्टकट की एक बात याद रखिए, और वो ये है कि जब किलोमीटर्स पर आप आ जाए तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए 60 और 60 से दो मरतबा डिवाइड करते हैं। आइए इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। ये 0 यहां कट हो गए और 6 6 36 और ये 6 6 36 सब खत्म हो गया, सिर्फ 10 बचा, इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड। सो दैट हम यहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे VI वो हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। और इसी तरीके से यहां पे जब आप लिखेंगे VF यानी फाइनल वेलोसिटी, उसको रेस्ट की पोजीशन में ले आएंगे लम रुक जाएगी और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। याद रखिएगा कि इसमें वेलोसिटी चेंज कैसे हो रही है, डिक्रीजिंग फॉर्म में, और डिक्रीजिंग फॉर्म में होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, जिसे डिसेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं, डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। तो VI हमारे पास ये आ गया और उसके बाद VF हमारे पास कितना आया 0 मीटर पर सेकेंड। अब हम वही काम करेंगे, सेमीकॉलन लगा के यहां लिख देंगे कि ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और यहां पे ये आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि जी 5 सेकेंड्स में ये सारा काम हुआ, तो टाइम उसने दे दिया हमें 5 सेकेंड्स, टाइम ठीक है। फिर उसने ये कहा है कि आप डिसेलरेशन निकालिए, उसने कहा है डिसेलरेशन निकालिए, डिसेलरेशन का कोई अलग सिंबल नहीं होता, वो एक्सेलरेशन की नेगेटिव फॉर्म है, इसलिए हमें ये निकालना है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि हम यहां पर ये लिखेंगे कि हम इसको डिसेलरेशन के तौर पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक हमारा ये डेटा मुकम्मल हो गया और यहां पर जो टाइम लग रहा है हमने उसको भी यहां पर टी करके मेंशन कर दिया, टी इज इक्वल टू 5 सेकंड्स। एक बार इससे पहले हम बता चुके हैं कि किसी भी तो मैं
अगर तीन फैक्टर्स गिवन हो तो बाकी तमाम फैक्टर्स, पांच फैक्टर्स होते हैं टोटल फिजिकली, तो वो तीन फैक्टर्स अगर गिवन हो तो फाइव फैक्टर्स आराम से, बाकी दो फैक्टर्स आराम से निकाले जा सकते हैं, तो फाइव पूरे हो जाएंगे। तो आइए अब हम सॉल्यूशन की हेडिंग पे जाते हैं। आप मुझे क्या बता सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो थ्री इक्वेशंस हैं मोशन की, उसमें से कौन सी सूट कर रही है? देखिए हम इससे पहले यहां पर वो लिख भी चुके हैं और आपको फिर बता देते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशंस अवेलेबल हैं जिनको हम यूज करते हैं। नंबर वन, वी एल इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। Second is S is equal to V I T plus half A T square. The third one is 2 A S equals to V F square minus V I square. आप देख रहे हैं, और ये भी मैंने आपको एक क्लू दिया था कि हर इक्वेशन में एक फैक्टर को मिस होता है। तो आप ये देखें कि कौन सा फैक्टर इसमें मिस है। आपको वी आई भी नजर आ रहा है, वी एफ भी नजर आ रहा है, टी और ए भी नजर आ रहा है, एस यानी डिस्प्लेसमेंट नजर नहीं आ रहा। तो आप ऐसी इक्वेशन तलाश करें जिसमें एस नहीं है। तो एस तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन भी नहीं है जिसमें नहीं है, तो यकीनी बात है। और इसमें आप देख भी सकते हैं वी एफ भी है, वी आई भी है, ए भी है और टी भी है। ये बता दिए कैसे हमारा नहीं जरूरत नहीं है कि ए मौजूद है और यहाँ पे ए गिवन नहीं है, रिक्वायर्ड में है, तो सब नहीं पड़ता निकालना तो वैसे भी है। चुनाचे इक्वेशन नंबर वन यहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। आइए वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। वी एफ की वैल्यू हमारे पास जीरो है, चलिए जीरो आ गया। वी आई की वैल्यू टेन है, 36 नहीं लिखेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यूनिट चेंज किया, ऐसा यूनिट लिखा होता है। 10 प्लस ए अननोन है, ए की जगह तो ए ही आ जाएगा, और टी की जगह पर 5 सेकेंड्स, ठीक। तो जीरो इक्वल्स टू 10 प्लस ए मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा अब इससे पहले एक वीडियो में, एक लेक्चर में हमने आपको सिर्फ ये बात बताई थी कि किसी सब्जेक्ट वैल्यू को किस तरह से पिक आउट करके सेपरेट किया जाता है। अब आपको यहां पर ए फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है। तो ए फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब देखिए ए फाइंड आउट करने के लिए हमें यहां से 10 को शिफ्ट करना है, 5 को भी शिफ्ट करना है। तो रूल हमारे पास क्या था, ओ डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू डब्ल्यू पी, ओ डब्ल्यू डब्ल्यू पी। तो यानी ऑपरेशनल विद होल वैल्यू, ऑपरेशनल विद होल वैल्यू। तो अगर देखिए ये 5 ए से मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन 10 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसका मतलब है वो होल वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसका हक नहीं बनता कि इसको पहले शिफ्ट किया जाए। हाँ ये 10 को देख लेते हैं, ये 10 ऐड हो रहा है इसके साथ, इस पूरे फैक्टर के साथ ऐड हो रहा है, चुनाचे इसका हक बनता है कि इसको पहले शिफ्ट किया जाए। तो ये पहले 10 यहां शिफ्ट होगा। और ये भी पता है कि इसके साथ अगर कोई साइन नहीं लिखा हुआ तो प्लस साइन लिखा हुआ है, यहां आके माइनस साइन हो जाएगा। माइनस 10 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 5। अब ए 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 नीचे जब शिफ्ट होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के तहत, तो माइनस 10 अपॉन 5 हो जाएगा। 5 वन जा 5 टू जा, देयरफोर ये देयरफोर का साइन होता है, याद रखिएगा एक डॉट ऊपर और दो डॉट्स नीचे हैं, इसको हम कहते हैं देयरफोर। तो ये बन जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2, और ए चूंकि एक एक्सेलरेशन है इसलिए इसका यूनिट बनता है मीटर पर,
मैंने आपको ये वाला यूनिट बताया था ना, इस कांसेप्ट कितने का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दीज टू थिंग्स बोथ आर द सेम, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू बनती है यूनिट के साथ। अब आप देख रहे हैं कि ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और हमें मालूम क्या करना था, डिसेलरेशन ही मालूम करना था। ए की वैल्यू पॉजिटिव आनी भी नहीं चाहिए थी, इसलिए कि डिसेलरेशन में ए की वैल्यू नेगेटिव ही होती है। हाँ, अलबत्ता हम अगर इसको यूं लिख देंगे, ए इज माइनस टू इज राइट, नो डाउट। अगर हम इसको यूं लिखते हैं, हैंस डिसेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब भी ये करेक्ट है। आपने देखा कि मैंने ये माइनस साइन लिखा ही है, इसलिए नहीं लिखा कि जो डिसेलरेशन का वर्ड है उसके अंदर नेगेटिव साइन शामिल है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम ये कहते हैं इंग्लिश में, none of them। मैंने कहीं नॉट का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन नन के अंदर नॉट शामिल है। Nobody is going to school. तो nobody में कोई not का word नहीं आया, लेकिन nobody के अंदर not शामिल है, nothing, not शामिल है। चुनाचे इस deceleration में भी इस negative sign को हम शामिल करते हैं। चुनाचे जब deceleration हो जाएगा तो दोबारा negative लगाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तो हम इसको यूं लिखेंगे, deceleration is equal to 2 meter per second square, obviously this is negative, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने दो numerical आपको समझाए, एक हमने numerical वो समझाया जिसमें uniform velocity use हो रही थी, एक numerical हमने आपको वो समझाया जिसमें acceleration, negative acceleration produce हो रहा था, और इसमें एक concept हमें और भी मिला, वो ये है कि जब कोई body रुकती है, final उसकी velocity zero हो जाती है, कि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अगली वीडियो तक इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।